Hola, 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 hola. नमस्कार आदाब शतश्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड की, की बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं पेन पेपर हाथ में है इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में है स्वागत है पंद्रह जनवरी दो दैनिक समसामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिर चाहे आप यूपीएससी एस बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के पूछा जाता है तो आपका स्वागत है शुरू करते हैं आज के सेशन को और बताते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए आज के सेशन में सेशन की शुरुआत में हमेशा की तरह जरूरी जानकारियों में सबसे पहली जानकारी रेफरल कोड से संबंधित आपके साथ करना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन जिसका उपयोग करके आप अन पर टेन डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं फिर चाहे हो यूपीएससी एस बैंकिंग मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज यहां पर प्लान किए गए हैं और बहुत ही अच्छे दामों में बहुत कम दामों में आपके लिए वो उपलब्ध हैं आप किसी भी क्लास को किसी भी सेक्शन को आप एक्सेस करना चाहें तो रेफरल कोड अंकित टेन यूज करके आप उसमें उपस्थित सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं वहां पर आपको दस प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है प्रीवियस और लास्ट जो भी क्लासेस चल रही है वो सारी क्लासेस मिलती है क्लासेस मल्टीपल टाइम्स देखने की फैसिलिटी होती है किसी भी क्लास को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक उस क्लास को कई बार देख सकते हैं सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं सारी की पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध होती हैं इन तमाम सुविधाओं के साथ में आपको ये क्लासेस उपलब्ध हैं चलिए बढ़ते हैं आगे इसके साथ ही आपको जरूरी जानकारियों में पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए सुबह चार बजे रोजाना एक शो लिया जाता है जो कि उपयोगी है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें की नियुक्तियां या इंपोर्टेड प्लेसमेंट्स वगैरह सब पूछे जाते हैं रेलवे जा है। है। रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे आप लोगों के लिए एक टेस्ट रखा जाता है अन अकेडमी राइज टू पॉइंट जीरो के नाम से अन अकेडमी पर जिसमें कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से मैं डिस्कशन सुबह सवा दस बजे अन अकेडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेज में कर रहा हूं जिसके लिए आपको मोबाइल में अनअकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होता है आज का हमारा टाइटल इमरजेंसी होगा कल किसी कारण से वो क्लास नहीं हो पाई थी पता नहीं इमरजेंसी लग गई थी क्या क्लास में मतलब टेक्निकल एरर के कारण से लेकिन आज वो क्लास सुबह सवा दस बजे आप लोगों के लिए रखी गई है आप इस क्लास को अच्छे से तैयार करके आइए और क्वेश्चंस को ट्राई करिए इसके साथ साथ ही मेरे द्वारा आप लोगों के लिए दोपहर बारह बजे लिया जाता है द हिंदू जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां और उन प्रमुख सुर्खियों के साथ साथ महत्वपूर्ण तो जानकारियां आपके पास पहली जानकारी पहली जानकारी है हाल ही में जो अमेरिका की प्रमुख कंपनियां हैं एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इनके द्वारा एप्पल और गूगल प्ले स्टोर इनके द्वारा पार्लर नामक एक, एक एप्लीकेशन को अपने पास से बैन कर दिया गया है हमने तो शायद सुना भी नहीं होगा कि यह कोई एप्लीकेशन है लेकिन इसकी वजह से यूएस में कोहराम मचा हुआ है चर्चा करेंगे क्या है पूरी कहानी और जानकर के आपको भी मतलब पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, है। चलिए इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों दूसरी जो चीज है आपके सामने वो क्या है हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा प्राप्त हुई है सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग यानी कि केव पेंटिंग खोजी गई है और उस केव पेंटिंग की उम्र बताई जा रही है पैतालीस साल पुरानी बताएंगे क्या है इसका पूरा इतिहास और क्या मानव सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है सारी चर्चाएं आपके साथ आज के सेशन में की जाएंगी इसके साथ साथ ही हाल ही में तीसरी खबर बनी है आप लोगों के लिए कि भारत का जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज है उन्होंने हाल ही में अड़तालीस करोड़ रुपए के एल तेजस खरीदने का ऑर्डर कर दिया है एलसीए तेजस दो हजार तक दो हजार उनतीस तेजस भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएंगे चर्चा करेंगे क्या महत्व है इस बात का एलसीए तेजस कितना उपयोगी है भारतीय सेना के लिए क्या भविष्य की संभावनाएं हैं सारी बातें आपके आज के इस सेशन में चर्चा की जाएगी इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया है और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में जो लव जेहाद नामक से नाम से एक जो इंटर रिलीजन मैरिज चल रही है उसके ऊपर इन्होंने एक अपना डिसीजन दिया है असल में वो लव जिहाद पर डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि किसी भी शादी से पूर्व यदि तीस दिन पहले नोटिस देना जरूरी है तो यह प्राइवेसी का उल्लंघन है चर्चा करेंगे क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा हुआ वर्डिक्ट बहुत ही उपयोगी है बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान में इसका क्या उपयोग है चर्चा करेंगे हाल ही में इजिप्ट जिस तरह से अभी गल्फ कंट्रीज बिहेव कर रहे थे अपने यहां किसी महिला को उठा के एबडक्ट कर दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी कर दी ऐसा ही इजिप्ट में भी हुआ था इजिप्ट में दो टिकटॉक गर्ल्स को इजिप्ट सरकार के द्वारा लास्ट ईयर जेल में डाल दिया गया था लेकिन लोगों के विरोध के चलते उन्हें अभी रिहा किया जा रहा है चर्चा करेंगे क्या है पूरी कहानी टिकटॉक गर्ल्स के बारे में इसके साथ साथ ही नेक्स्ट जो चीज बनी है आप लोगों के लिए वो क्या है हाल ही में जो अपनी मवेशियां हैं कैटल्स दुनिया में भारत सबसे ज्यादा कैटल रखने वाला देश है उसमें हाल ही में एक बीमारी पाई गई है जिसका नाम है एल एस डी लम्पसी स्किन डिजीज लम्सी स्किन डिजीज भारतीय कैटल्स में पाई गई है चर्चा करेंगे कि यह कैटल्स में पाई गई बीमारी कितनी भयानक है क्या यह कोई जूनोटिक डिजीज तो नहीं जिससे कि इंसान को नुकसान हो सके इसके अलावा इसके अलावा नेक्स्ट खबर बनी है भूपिंदर सिंह मान आपको याद हो तो मैंने आपको कल जब कृषि बिल पढ़ाए थे तो चार व्यक्तियों का नाम बताया था कि कौन कौन से व्यक्ति इस कमेटी के अंदर है जो कृषि कानूनों के साथ में आ रही है उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है क्या रहे कारण और किस प्रकार से ये किसानों का विरोध का परिणाम है चर्चा करेंगे आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन कर दिया है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में चौदह तारीख यानी कि कल चर्चा करेंगे किस प्रकार महत्वपूर्ण है उड़ान योजना के तहत भारत की दवा अब बाहर भी बिकेगी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को ब्राजील का ऑर्डर प्राप्त हुआ है ब्राजील ने भारत बायोटेक से दवा मंगवाई है चर्चा करेंगे कितनी महत्वपूर्ण है यह न्यूज हम सबके लिए इसके साथ साथ ही भारतीय भौतिक विज्ञानी और भारत की पद्मश्री रोहिणी गोडबले को फ्रांस द्वारा फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया है तो चलिए इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन शुरू करते हैं जल्दी से एक बार दम लगा करके सेशन शेयर कर दो मेरे साथ में उपस्थित हैं मकसूद अनूप आरती अंकिता शशि अखिलेश आशा सुनीता नितिन पुतुन सभी साथियों को भैया बहुत सारा गुड मॉर्निंग और जल्दी से मेरे प्यारे साथियों सेशन शेयर करते हुए आगे बढ़िए पढ़ाई के लिए पेन पेपर हाथ में ले लीजिए खबरें मैंने आपको बता दी हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं बहुत ही डिटेल एनालिसिस वाली खबरें हैं और ये सेशन भी न्यूज एंड एनालिसिस का है आइए साथियों आपके सामने आज का मोटिवेशन कोटेशन देखते हैं मोटिवेशन कोटेशन है है डोंट लेट यू यू कैन कैन नॉट डू डू इंटरफेयर विद देखिए ये क्या है? थोड़ा अंग्रेजी में भाषा जरूर हो लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी तो मीनिंग समझ गए होंगे लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात मैं समझाना चाहता हूं और क्या है इसको समझने का प्रयास करिए क्या होता है ना साथियों हम लोगों में से बहुत सारे लोग किसी और को कुछ करता हुआ देख करके सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही कर लें जैसे मैं अपना बताता हूं अब मतलब आप अपने हिसाब से फिर अपने अपने एग्जाम्पल पुट कर लीजिएगा मैं आपको अपना बता रहा हूं आप भी रिलेट करें तो बताइएगा क्या आपके साथ बचपन में ऐसा कभी हुआ कि जब कोई आपके पड़ोस का भाई या बहन पड़ोसी भैया दूर के भैया कोई बढ़िया रिजल्ट निकाल के ले आए जैसे ही रिजल्ट चाहे वो टेंथ में ही लाए हों और आप मान लीजिए छोटी क्लास में रहे हो तो आपके घर वाले बड़ी उम्मीदों भरी नजर से आपकी तरफ देखे कि भाई साहब ये मेरिट में आए थे

लेकिन घर वालों ने उसके मनोमस्तिष्क में यह बिठा दिया कि डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है एस्ट्रोनॉट बनना है फुटबॉलर बनना है क्योंकि घर वालों को वो चीज पसंद थी बच्चे के ऊपर लाद दी अब बच्चा भी वही बोलने लग रहा है जो माँ बाप चाह रहे थे ये बहुत बार फिल्मों में भी दिखाया गया है रियल तथ्य भी है ये घर में भी होता है लेकिन होता क्या है कि कब हम अपने आप को भूल करके एक वो बनावटी जीवन बिताना शुरू कर देते हैं जो हमारी इच्छा नहीं है और उसके बावजूद हम उस तरह का कार्य करने निकल पड़ते हैं हम कभी उस चीज को नोटिस भी नहीं करते जैसे मैं आपको बहुत आज के व्यवहारिक तथ्य में भी आपको आंसर दूंगा और पुराने एक्सपीरियंसेस भी आप काउंट करिएगा आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो हम लोग जब अपने जीवन को जी रहे होते हैं ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन अचानक किसी का तरीका हमें पता चलता है कि यार वो भाई साहब है ना सुबह चार बजे उठ के पढ़ते हैं अब मुझे भी सुबह चार बजे उठ के पढ़ना चाहिए देखिए दो बातें हैं जनाब आपका कंफर्ट आपकी एजुकेशन ये आप पर डिपेंड करती है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है आपको रात को 12 बजे तक समझ में आता है तो रात को पढ़िए दिन में समझ में आता है तो दिन में पढ़िए उसने अपना जो बेहतर था वो बता दिया लेट से मैं मेरी बात बताता हूं कई बार कि मैं भाई सुबह चार बजे जग के पढ़ता हूं मैं सुबह चार बजे क्लास लेता हूं लेकिन अब उस स्थिति में कई लोग ये सोच लें कि वो ऐसे लोग जो रात को दो दो बजे तक सिंसियरली पढ़ते हैं कि सर ने कहा है चार बजे जग के पढ़ना चाहिए अब जल्दी सो जाते हैं कल सुबह चार बजे जगेंगे पता चल रहा है ना तो ये वाली पढ़ाई हो रही ना वो वाली हो रही ऐसे तूफान मत काटिए जीवन में जीवन में वो करिए जो practically proven है, हाँ, करना तो चाहिए जो seniors ने कह दिया है है, है कि कि ऐसा ऐसा करने से लाभ होता है। अब मन बना लिए करना है तो फिर करके डालिए, कि कर रहे थे अचानक किसी का पता चला कि उसका सीडीएस में सिलेक्शन हो गया।, भाई अपन को निकालना है। ध्यान बट गया किसी का पता चला कि ठीक है आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की किसी का पता चला कोई स्टेट पीसीएस में टॉप कर गया है ओ भाई साहब अपन को अब स्टेट पीसीएस तो निकाल ही लेना है ये जो हालत होती है ना ये जीवन में आपको कहीं का नहीं छोड़ती है मूड स्विंग्स हैं ये तैयारी के दौरान इन्हें कभी मत आने दीजिए अपने जीवन में जब आप कोई तैयारी करने निकले हैं स्टिक टू योर गोल स्टिक टू योर प्लानिंग हैव फेथ इन यू आपका जो भी काम है ना उस पर खुद से विश्वास करिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं और मेरा ऐसा करने से परिणाम अच्छे निकले हम अपनी रणनीति तब बदलें जब हमको अपनी रणनीति से सही परिणाम प्राप्त ना हुए आपकी रणनीति आपने अपने कंफर्ट से और अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई है उसे केवल तब बदलें जब आप किसी टेस्ट में वैसी ही रणनीति के कारण अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हों आप किसी एग्जाम में अपनी रणनीति के कारण अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हों हर बार के लिए किसी को कॉपी पेस्ट मत करिए जीवन में बहुत संकट हो जाएगा पढ़ नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली खुद से घृणा करने लग जाएंगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा ठीक है बेटा चलिए तो इसी के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं आइए शुरू करते हैं पढ़ाई और जल्दी से कुछ बातें जानना शुरू करते हैं आइए बेटा यहां पर शुरू करते हैं हाँ भाई बर्थडे विशेष विशे आ रही है अरु के लिए मैं डेफिनेटली दे दूंगा लेकिन वो कल है उसका बर्थडे ठीक है चलिए आइए साथियों मेरी बात बताता हूं मैं यहां पर हाल ही में पार्लर प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा था यह निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है एक बार दम लगा करके सभी साथी सेशन शेयर कर दो भाई है ना चलो सुनिए ध्यान से पार्लर प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा हुआ क्या अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं और चर्चा में क्यों रहा इसके पीछे की कहानी बताता हूं पहली सुर्खी के रूप में अगर बताऊं तो बात यह है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया से मतलब मैं आपको बता दूं जैसे आपके व्हाट्सएप है ट्विटर है इंस्टा है जिस पर हम लोग लोगों से जुड़ते हैं मीडिया जो खबरें सुनाता है और एक आप जो खुद खबर बनाते हैं दैट इज सोशल मीडिया ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप में से बहुत कम लोगों ने इसे सुना होगा हो सकता है सुन भी रखा हो तो न्यूज के माध्यम से लेकिन आई एम श्योर कि हमारी क्लास में से कोई रेयर ही होगा जो इसे यूज करता होगा क्यों नहीं हो यूज करता होगा क्योंकि इसका अभी यूजर बेस बहुत कम है मैं आपको बताता हूं इसका कुल यूजर बेस कितना है इसका यूजर बेस है दस मिलियन अब आप पूछेंगे कि दस मिलियन यूजर बेस है तो इसमें यूजर बेस कम तो नहीं है हो सकता है कुछ इंडियंस भी हो अभी मैं बताता हूं इस दस मिलियन में से आठ मिलियन कितने आठ मिलियन जो यूजर हैं वो केवल यूएसए के हैं कहां के हैं केवल यूएसए के हैं केवल टू मिलियन ऐसे यूजर हैं जो आउट ऑफ यूएसए हैं यानी कि ये अमेरिका वालों का अपना पर्सनल एक तरह से यूं समझिए आप सोशल मीडिया अकाउंट तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप है प्लेटफॉर्म के रूप में है ना जैसे इंस्टा है ट्विटर है बिल्कुल वैसे ही अच्छा तो फिर पहले न्यूज क्यों है ये सुर्खियों में क्यों है अब मैं आपको वो बताता हूं भैया इस पार्लर नामक प्लेटफॉर्म को जैसे कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रचलित है लेकिन बड़ा सवाल ये किन के बीच प्रचलित है अगर आप ये जान गए तो फिर आपको ये न्यूज समझ में आ जाएगी अब मैं आपको बताता हूं किन के बीच प्रचलित है मेरे प्यारे साथियों ये प्रचलित है कंजर्वेटिव जो लोग हैं अमेरिका के उनके बीच अब आप पूछेंगे कंजर्वेटिव क्या होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं जो सोच और विचार में थोड़े पुराने प्रकृति के कहे जाते हैं मतलब रूढ़ीवादी जो लोग कहे जाते हैं फिर बोले रूढ़ीवादी की पहचान क्या है अभी मैं बताता हूं असल में जो भी व्यक्ति अपने रंग को लेकर के अपने धर्म को लेकर के अपने क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा एडमंट होता है जो ये समझता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है मेरा रंग श्रेष्ठ है मेरा देश श्रेष्ठ है ये जो श्रेष्ठता का भाव है ना ये हर तरह से रूढ़ीवादी विचार कहलाता है देखिए मैं आपको एक थोड़ी सोच देता हूं क्या पता उससे आपको कुछ आगे समझने में फायदा मिले इंसान की दो प्रकार की सोच कही जाती है एक कंजर्वेटिव सोच और एक कहलाती है प्रोग्रेसिव सोच प्रोग्रेसिव सोच को आजकल लिबरल भी कहते हैं उदारवादी भी कहते हैं दूसरी बात होती है कंजर्वेटिव सोच कंजर्वेटिव सोच का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे श्रेष्ठ से मतलब यह हुआ कि भाई मैं इस रंग का हूं तो जैसे मैं आपको बताऊं ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे जब वो इंडिया में आए थे तो उनमें श्रेष्ठता का ही भूत सवार था ये अपने आप के लिए बोला करते थे कि हमें ईश्वर ने आप लोगों के ऊपर राज करने भेजा है इसे बर्डन थ्योरी कहते हैं यानी हम गोरे हैं और हमारे ऊपर जोर है इस बात का कि हम कैसे करके आप लोगों को सुधारें ईश्वर ने हमें भेजा है व्हाइट मैं बर्डन है हम मरे जा रहे हैं कि हम आपका काम बढ़िया कर दें ताकि आपका जीवन भी सुधर जाए हम तो सुधर गए हैं तो एक प्रकार से नस्लीय हिंसा भड़कती है जब कोई श्रेष्ठता दिमाग में आती है जब इसी प्रकार से तो आपने देखा होगा अमेरिका में नेवेडा नेवेडा क्षेत्र में अब इस बात को याद रखना के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें कि नस्लीय हिंसा हुई थी नेवेडा राज्य है अमेरिका का अगर आपको याद हो तो वहां पर नस्लीय हिंसा गोरे कालों के बीच में लड़ाई हुई थी कारण क्या है वहां के रूढ़ीवादी अपने रंग को लेकर के ये समझते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं कौन से कलर के हैं श्वेत हैं इसलिए श्वेत हैं इस कारण से वो काले कलर के लोगों को यानी कि ब्लैक पीपल्स को वो अपने द्वारा हीन भावना से देखते हैं अब समझ में आया रूढ़िवादी होने का अर्थ क्या हुआ रूढ़िवादी का अर्थ ये नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है वो अंधविश्वास में ध्यान रखता हो तंत्र मंत्र पूजा पाठ में विश्वास रखता हो जी नहीं ये आपके यहां की पद्धति है कहीं कोई कुछ और होगा रूढ़ीवादी का दूसरा अर्थ निकालते हैं जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को जैसे आप सांप्रदायिकता कहते हैं असल में वो है क्या असल में जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को लेट से आप एक्स धर्म पर फेथ रखते हैं आप फेथ रखिए कोई बुराई नहीं है लेकिन अन्य धर्मों से अपने को श्रेष्ठ समझें ये बुराई है हर धर्म अच्छा है ये भाव रखना लिबरल करेक्टर है और हर धर्म में, में मेरा ही सर्वश्रेष्ठ है इसलिए मैंने अपना रखा है ये आपके अंदर अभिमान भरता है जिसके कारण आप अन्यों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं इससे संप्रदायवाद पनपता है संप्रदायवाद की परंपरा जो होती है वो कंजर्वेटिव धर्म परंपरा कहलाती है आ गई बात समझ में तीसरी बात व्याख्या सुनते हैं मान लीजिएगा कि अगर आप किसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हैं लेट से हम भारत की ही बात करें आप किसी एक्स राज्य से बिलोंग करते हैं आपके अंदर राज्य के कारण अपने अंदर महानता का भाव है कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं देखिए सारे राज्यों में रहने वाले लोग सही हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं यह भाव होना लिबरल थॉट है है अगर कोई यह सोचता है कि मैं एक्स राज्य में रहता हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं इस भाव को ही हम क्षेत्रवाद कहते हैं अब आ गई बात समझ में मैंने बहुत बड़ी गूढ़ परिभाषा सिखाई है आपको बहुत सरल रूप से सिखाई है तो कंजर्वेटिव होने का अर्थ क्या हुआ जो अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझे अब आप कहेंगे सर श्रेष्ठता तो अच्छी बात है बिल्कुल गलत बात है आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि और कोई व्यक्ति अपने काम में श्रेष्ठ नहीं हो सकता हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो सकता है हो सकता है कि मैं अपने बारे में बोलूं कि मेरा एक्सप्लेनेशन श्रेष्ठ हो सकता है मैं अपने बारे में यह मान सकता हूं लेकिन हो सकता है किसी का फैक्ट श्रेष्ठ हो किसी का यह हो सकता है कोई विक, कोई विचारक है या फिर कोई भी एक्टर है उसकी डाउट मतलब जो डायलॉग डिलीवरी है वो श्रेष्ठ हो किसी का एक्शन श्रेष्ठ हो किसी का डांस श्रेष्ठ हो हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है ऐसे ही विद्यार्थियों में भी है किसी को याद रखना अच्छा लगता है किसी को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है किसी को घूम के पढ़ना अच्छा लगता है सबकी अपनी श्रेष्ठता है बात समझ में आ गई एक को ही बेस्ट मान लेना यह गलत है दैट इज कंजर्वेटिव अब आते हैं मुद्दे के ऊपर मेरे प्यारे साथियों अमेरिका में जो कंजरवेटिव हैं उन अमेरिकी के बीच में और विशेष रूप से वो कंजर्वेटिव जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और श्वेत हैं आपने नोटिस किया हो तो डोनाल्ड ट्रंप नस्लीय हिंसा के कारण क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हुए थे जब वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड वाला केस हुआ था उनके बीच में प्रचलित है मेरे प्यारे साथियों ये पार्लर ऐप किनके बीच में अमेरिका के नेवेदा राज्य में अब आते हैं मुद्दे के ऊपर जॉर्ज फ्लॉयड केस याद होगा नेवेदा राज्य याद होगा वहां पर प्रचलित है पार्लर एप्लीकेशन और वहां से ट्रंप के समर्थकों के बीच में यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है प्रसिद्ध इस हद तक है अब आप पूछेंगे कि इसमें ऐसा है क्या जो प्रसिद्धि प्राप्त कर गया लोग व्हाट्सएप ट्विटर छोड़ करके इस पर चले गए ऐसा क्या है इसमें आइए मैं आपको वो बताता हूं असल में इसके साथ में क्या है मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताऊं ये ये सारे उदाहरण हैं आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ठीक है ना अच्छा तो अब यहां पर देख लें इस बात को थोड़ा सा हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा दिमाग लगाइएगा अब होता क्या है कि जब आप ट्विटर पर कोई ट्वीट करते हैं तो ट्विटर आपके ट्वीट को पढ़ता है पढ़ने से मतलब हुआ कुछ उसने कोड वर्ड्स डाल रखे हैं कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट विचार है वायलेंट करेक्टर है किसी ने उस चीज को रिपोर्ट कर दिया आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इस ट्वीट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे फेसबुक पे भी होता है आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं ये करेक्टर जो है हमको समाज के लिए खराब है आपसे कहा जाता है कि इस कमेंट के बारे में बताइए तो जैसे कमेंट के बारे में लिखते हैं आप ऐसे उस पर कर सकते हैं उनको ये कंपनियां बैन कर देती हैं चाहे ट्विटर हो फेसबुक हो ये सब हो इस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है पार्लर प्लेटफॉर्म की जनाब यहां पे आप कुछ भी लिखें कोई आपको रोकने वाला नहीं है मीनिंग समझने का प्रयास करिए ये इतना ओपन प्लेटफॉर्म है कि यहां पर आप कुछ भी लिखें तो भाई साहब आपको कोई रोकने वाला नहीं है अब आप पूछेंगे कुछ भी लिखे से मतलब हमने कहा कोई आप हत्या का प्लान भी शेयर कर दीजिएगा तो भी आपको यह प्लेटफॉर्म उस काम को करने से नहीं रोकेगा अब आप सोचेंगे कि सर यह तो फिर एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पराकाष्ठा हो गया जी हां यही यह प्लेटफॉर्म बोलता है कि आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां स्वतंत्र हैं आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जिसको नहीं रहना है वो प्लेटफॉर्म के चला जाए जिसको रहना है अपने विचार प्रदर्शित करने आ जाए तो भाई होता भी यहां पर यही है लोग अपने विचार प्रदर्शित करने यहां चले आते हैं अब बढ़ते हैं दूसरे पक्ष की तरफ दूसरा पक्ष क्या है अब होता क्या है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटॉल हिल के अंदर अपने समर्थकों के कार्य को राष्ट्रवादी नाम दिया सारे राष्ट्रवादियों में से लगभग 90 परसेंट लोग इस वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए पार्लर पे और वहां पर जब कांग्रेस मैन ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे थे तब ये सारे लोग यहां पर टिप्पणी कर रहे थे कि जो कांग्रेस मैन है इनकी हत्या हो जानी चाहिए है ना मतलब इनके प्रति ये भाव आ गया लोगों के अंदर कि इन लोगों के प्रति जो मतलब कांग्रेस के अंदर बैठे हुए जो सांसद हैं जो महाभियोग का प्रस्ताव चला रहे हैं इनको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए यानी कि इनको खत्म कर देना चाहिए ऐसे विचार लोगों ने अपने द्वेष में लिखे लेकिन कोई भी कोई इसके ऊपर रोक नहीं लगा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को जब ट्विटर ने बैन किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्दी ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पाया जाऊंगा लोगों ने तुरंत इस बात को सुनते ही इस प्लेटफॉर्म को तुरंत अपने पास इंस्टॉल कर लिया कि ट्रंप जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं क्योंकि ये ट्रंप के समर्थकों का ही है अब ध्यान से सुनिएगा ट्रंप के समर्थकों का ही ये प्लेटफॉर्म है तो मेरे प्यारे साथियों अब मैं आपको बताता हूं वो समर्थक कौन है तो ये समर्थक है रेबेका मरसर एंड मरसर, ये बाप बेटी है और इन्होंने इस पार्लर नामक साइट पर जो कि बनी ही 2018 में है इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है अब होता क्या है कि ट्रंप का आना यहां प्रस्तावित था तो न्यूज क्या है अब न्यूज पर पहुंचते हैं न्यूज ये हुई मेरे प्यारे साथियों कि एप्पल गूगल अमेजन इन्होंने अब आप एक बात बताइए आप अपने पास एप्लीकेशन को डाउनलोड कहां से करते हैं एप स्टोर से करते हैं जैसे मैं अनअकेडमी के बारे में आपसे क्या बोल रहा होता हूं कि भाई अनअकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो एप स्टोर पर वहां पर भी जाइए आप वहां से यूज कर लीजिएगा एक्जैक्टली exactly मेरे प्यारे साथियों एप्पल और गूगल पर ही पार्लर एप्लीकेशन उपलब्ध था इन लोगों ने इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया है न्यूज तो है ये लेकिन इस न्यूज के पीछे की कहानी क्या थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि इन लोगों ने इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया है अमेजन का वो नेटवर्क यूज किया करता था उस नेटवर्क को भी बंद कर दिया गया है एक प्रकार से पार्लर अब बंद हो गया है ठीक है ना अब ये ब्यूटी पार्लर था या हिट पार्लर था वो आप जान लीजिएगा पार्लर एप्लीकेशन बंद हो गया है क्लियर अब आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ऐप स्टोर से उसको हटा दिया गया है ये तो हुआ इस बात का एक तथ्य मैं लेकिन आप लोगों को एक विचार के साथ और छोड़ के जा रहा हूं आप उस पर जरूर विचार कीजिएगा जो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है और आपके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में होगा विचार ये है होना यानी कि किसी प्रकार का वक्तव्य ऐसा लिखना जिससे कि समाज की शांति व्यवस्था भंग होती हो हेट्रेट को आप हमेशा कंडेम करें ये सत्य है लेकिन क्या देश अमेरिका में सरकार चला रही है या प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं इस बारे में आप जरूर विचार कर लीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा अगर आपने नोटिस किया हो तो इन दिनों जितनी भी सुर्खियां बनी हैं उन सभी सुर्खियों में आप ट्विटर का नाम सुन रहे हैं गूगल का नाम सुन रहे हैं आप लोग नाम सुन रहे हैं एप्पल का आज पार्लर का लेकिन क्या आपने नोटिस किया हमने सरकारों की बात एक भी दिन नहीं की यही है मेरे प्यारे साथियों क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है नव पूंजीवाद का यह जो कूड़ पूंजीवाद है इसमें क्या है कि जब कंपनियां सरकारों पर हावी हो जाएं देखिए जनता ने अपने लिए सरकार चुनी है जनता की सरकार को काम करने से और लोगों को अभिव्यक्ति से जो प्लेटफॉर्म्स कभी विकसित किए गए थे वही प्लेटफॉर्म्स आज उनकी आवाज दबा रहे हैं नियम बने जिसमें हेटरेट फैलाने वाले को जेल की सजा हो प्रावधान हो लेकिन जरा आप सोच के देखिए अगर ये कंपनियां लोगों के मैंडेट बदलने लग जाएं लोगों के विचार बदलने लग जाएं तो क्या होगा

ऐसे कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने मेरे प्यारे साथियों आते हैं आप लोग इन्हें जरूर से याद करके चल सकते हैं ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अब यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा और यह हम लोगों को एक विचार के प्रति उत्साहित भी करेगा हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया आप लोग जानते ही हैं और बहुत प्रचलित भी है काफी ज्यादा कारणों से वो चर्चा में भी रहता है इंडोनेशिया में हाल ही के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग कहां पाई गई इंडोनेशिया में पाई गई अब आप पूछेंगे कि पेंटिंग कैसी थी कहां बनी हुई थी कहां कोई सड़क पर पड़ी पाई गई या फिर रोड पर कहीं रखी थी किसी ने कहीं छिपा रखी थी किसी के घर में मिली कितने साल पुरानी है ये तमाम सवाल होंगे एक एक करके सभी सवालों का जवाब देते हैं मेरे प्यारे साथियों ये पेंटिंग है पैंतालीस हजार साल पुरानी फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड कितने साल पुरानी पैतालीस हजार साल पुरानी पेंटिंग मेरे प्यारे साथियों इंडोनेशिया के अंदर मिली है अब आप पूछेंगे कि सर पैंतालीस हजार साल पुरानी तो कुछ ज्यादा नहीं हो गई पता कैसे किया कि पैतालीस हजार साल पुरानी है कोई मिल गया क्या पेंटिंग में और सर बड़ा क्या रखा है और कहां मिली है मैं बताते हैं भाई चिंता ना करो भाई ये एक गुफा में मिली है गुफा बोले तो केव के अंदर मिली है अच्छा सर गुफा में मिली है बोले बहुत बढ़िया सर सर काय की पेंटिंग है मैंने कहा भाई ये की की पेंटिंग है है जो होता है ना जंगली सुअर जिसे आप बोअर कहते हैं उसकी पेंटिंग है सर पेंटिंग अब तक सटीक बची हुई है इसका अंदाजा कैसे लगा पेंटिंग का कोई फोटो फाटो भी है क्या बिल्कुल है साहब ये देखिए मैं आपके सामने बकायदा इसका फोटो भी लेकर के आ गया हूं क्या पता आपको ये दिखाई भी दे जाए मेरे प्यारे साथियों जिस फोटो को आप वर्तमान में देख रहे हैं वो आपको मिला है सी आप नोटिस करिए जरा इस फोटो को अगर आप सही से देख रहे हो तो ये एक केव है और ये इंडोनेशिया के अंदर यहां देखिए ये यह फोटो देखिए यहां पर आपको शायद प्रॉपर तरीके से दिख रही हो ये फोटो में एक जंगली सुअर दिख रहा है जंगली सुअर जो है वो एक रॉक की केव के अंदर दीवार पर बना हुआ है जिस कलर का उपयोग किया गया है पता चला कि वो कलर जो है वो गेरू है क्या है गेरू उपयोग में ली गई है मेरे प्यारे से गेरू क्या होती है आप लोगों ने कई बार महिलाओं को अपने पैरों में रंग लगाते हुए देखा होगा राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये गेरू मेरे प्यारे साथियों यहां पर पता चलिए गेरू से बना हुआ रंग है ये और ये कहां मिला है अगर हम बताएं आपको तो ये इंडोनेशिया का मैप है और इस इंडोनेशिया के मैप में बीचों बीच ये जो आइलैंड है जिसका नाम है सुलावेसी आइलैंड मेरे प्यारे साथियों सुलावेसी आइलैंड पर यह प्राप्त हुआ है अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए जब यह इतना पुराना मिला है इसके बारे में अंदाजा कैसे हुआ होगा और दूसरी बात कि सर गेरू को वहां क्या कहते होंगे मैंने कहा देखिए गेरू जो है ना वो कलर को ओरचा कहा जाता है ओरचा

कि यह सुअर इतने साल पुराना है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने इस सुअर के पैर की तरफ यहां पर यह जो सफेद सफेद चीज आपको दिखाई दे रही है असल में यह कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमने CaCO3 के ऊपर एक विशेष तकनीक उपयोग में ली जिसे हम यू सीरीज टेक्निक कहते हैं क्या कहते हैं यू सीरीज टेक्निक कहते हैं जिसका उपयोग करके हमने कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन की उम्र पता करी थी आप लोगों ने बहुत बार इस चीज को पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई मतलब तो जो कार्बन होता है उसके लिए कार्बन डेटिंग शब्द सुना होगा तो यहां पर इन्होंने कहा है हमने यू सीरीज टेक्निक उपयोग में ली और हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करके इसकी उम्र नापी कि ये कितने साल में यहां बना तो हमें अंदाजा लगा कि ये पैंतालीस हजार साल बाद बनकर के तैयार हुआ है और ये कहां मिला है तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये इंडोनेशिया के अंदर सुलावेसी जो द्वीप है वहां पर मिला है अब आपके मन में एक सवाल बनेगा और वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा सवाल यह बनेगा कि सर एक बात बताइए इतनी पुरानी पेंटिंग है तो बनाई किसी जानवर ने तो नहीं होगी हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं तो फिर बनाई किसने है? मैंने कहा भाई बात है इंसानों ने ही बनाई होगी तो इंसानी सभ्यता कितनी पुरानी है आएगा ना बेसिक सा सवाल क्या इंसान जो है वो शुरुआत में ही इंडोनेशिया में था क्या ये आप और हमारे मन में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का विचार होता है कि इंसानी सभ्यता कितने साल पुरानी है इंसान इस पृथ्वी पर कितने साल पहले आया तो मेरे प्यारे साथियों ये है आप लोगों के सामने इंसान के विकास होने का सारा के सारा क्रम कहा जाता है कि इस धरती पर इंसान जो है वो आज से लगभग दो लाख से तीन लाख साल पहले बना था देखिए अपन लोगों को बहुत बार पढ़ाया गया है होमोसेपियंस का विकास क्रम मोसिपियंस के बारे में कहा जाता है कि बंदर चिंपैन जी हमारे पूर्वज हुआ करते थे हम उनसे कई लोग आज भी वैसे ही दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उनको देख के अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई ये देखो इंसान जो है हरकतों से भी वैसा ही है और ऐसी कारण से लगता है कि इसके पूर्वज ये रहे होंगे तो पूर्वजों से जो हमारा विकास हुआ उसके बारे में कहते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास है ये आज से लगभग दो से तीन लाख साल पहले हुआ था कितने साल पहले दो लाख से तीन लाख साल पहले हुआ था ठीक है ना एक आंकड़ा तो यह कहता है अच्छा कुछ लोग जो अफ्रीका के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी रखते हैं उनका कहना है कि अफ्रीका से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ था यानी कि मानव का जो सबसे पहला जन्म हुआ वो अफ्रीका में हुआ था अफ्रीका में हुआ था इसीलिए मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है यानी कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहा जाता है कौन अफ्रीका यानी कि अफ्रीका से इंसान का जन्म हुआ और वो आगे बढ़ा था ये तथ्य आप याद रख सकते हैं तीसरी बड़ी बात जो आपको पता चलनी चाहिए और वो क्या है कि इंसान तो चलो दो हजार दो लाख साल पहले पैदा हो गया लेकिन वो अफ्रीका से माइग्रेट कब किया तो इसके बारे में बताते हैं कि आज से सत्तर हजार साल पहले कितने साल पहले सत्तर हजार साल पहले वो आज का जो मानव है वो अफ्रीका से निकल करके अन्य क्षेत्रों में जाना शुरू हुआ था फिर चाहे वो आपका क्षेत्र इंडोनेशिया वाले क्षेत्र एशियाई क्षेत्र हो या फिर यूरोप या फिर कहीं और क्षेत्रों में जाके उसने बसना प्रारंभ किया था तो सत्तर हजार साल पुराने तो प्रमाण अब तक प्राप्त हो चुके हैं साथियों ये आइस एज का चित्र है जो यहां पर प्राप्त हुआ है इंटरेस्टिंगली अब इस बात से यह पता चल रहा है कि इंसान अपनी अभिव्यक्ति किया करता था और अभिव्यक्ति के लिए यह जो चित्र मिला है यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इंसानी सभ्यता आज की नहीं है बहुत पुरानी है और इंसान अपने द्वारा अपनी अभिव्यक्ति तब भी करता था और आज भी करता है ठीक है ना चलिए साथियों इसके साथ में अब एक बात और बताते हैं आप लोगों को इस बात को थोड़ा सा आग, आगे समझते हुए चलिएगा तो ये हमने बता दिया इसको लाल गेरू ओचरा करके जो चीज होती है उससे बनाया गया है ये बात मैंने बता दी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्ट वर्क है इसलिए याद कर लीजिएगा पेपर में पूछा जाएगा सुलावेसी इंडोनेशिया में मिला है पैतालीस हजार साल पुराना है एक सुअर का चित्र मिला है इसी टीम को जिसने ये चीज खोजी है इन्हें ही कुछ साल पहले यानी कि यह जो टीम है जिसने इस बंद इस सुअर को खोजा है इन्होंने ही कुछ दिन पहले मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए इनका नाम है बसरान बुसरान बसरान एंड बुसरान बसरान ये वैज्ञानिक है मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने कुछ समय पहले सुअर को यानी कि इसको क्या बोलते हैं जो पिग है इसको यह आप लोगों को याद होना चाहिए यह साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट इन्होंने कुछ समय पहले जो खोज की थी उसके हिसाब से इन्हें एक और खोज की थी जिसमें इन्हें चालीस हजार साल पुराना बोअर यानी कि जंगली सुअर एंड बफेलो दोनों का चित्र मिला था बोअर एंड बफेलो इनका दोनों का चित्र मिला था मेरे प्यारे साथियों उसके बाद में ये अब इस सोच खोज पर आगे बढ़े तो इन्हें वर्तमान वाला जो ड्राइंग है ये मिल गया तो यूरेनियम सीरीज इन्होंने तकनीक का उपयोग किया है ये तकनीक याद कर लीजिएगा पेपर में पूछी जा सकती है आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन फोर्टीन तकनीक उपयोग में ली गई है कार्बन डेटिंग तकनीक उपयोग में ली गई है तो जो एग्जैक्ट शब्द मिला हमें वो यू सीरीज टेक्नोलॉजी मिला है यूरेनियम टेक्नोलॉजी अब इसका क्या उपयोग है कैसे कार्बन से इसका संबंध किया ये हमें नहीं पता और बताया भी नहीं गया है ठीक है ना इस तकनीक से मेरे प्यारे साथियों इस चीज का इन्होंने पता किया अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर क्या इंडिया में भी ऐसे पुराने चित्र मिले हैं क्या बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों भारत के मध्य प्रदेश में ये जो अपना मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पुराने चित्रों के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो क्षेत्र शायद आपको दिखाई दे रहा हो ये है भीमबेटका कौन सा है भीमबेटका ये भीम बेटका की केव्स हैं जो भारत की सबसे पुरानी आर्ट केव्स कहलाती हैं। इन गुफाओं के अंदर मानव के द्वारा विकसित शैल चित्र पाए गए हैं दीवारों के ऊपर बने हुए चित्र पाए गए हैं जिसका एज लगभग दस हजार साल पुराना कंसीडर किया जाता है कई जगह दस हजार से तीस हजार भी लिखा हुआ है एक्यूरेट आइडिया नहीं है इतने साल पुराना चित्र भारत की भीम बेटका गुफाओं के अंदर में मिला हुआ है इसी प्रकार से महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाएं और सॉरी माफी चाह रहा अजंता एलोरा गुफाएं जो कि औरंगाबाद में है और ऐसे ही मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं वहां भी शैल चित्र यानी कि केव के अंदर बने हुए केव आर्ट्स प्राप्त हुए हैं यह तथ्य आपको एडिशनली पता होना चाहिए ठीक है ना चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो याद करने हो परीक्षा उपयोगी लगे कैपिटल जकार्ता है यहां की मुद्रा भी जो है मेरे प्यारे साथियों रुपया है जोको विवेडो जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है और ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में स्थित है स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसी के बीच में से यहां से निकल रही है ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं डन है बेटा चलिए अब इसमें कुछ जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे गए हैं जैसे भारत की अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से जिले में पाई जाती है बाघ की गुफाएं कौन से राज्य में है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है है ना एलिफेंटा के कहां पर है मुंबई के अंदर है बादामी की गुफाएं कहां है कर्नाटक में है उदयगिरी सनराइज हिल्स भी कहा जाता है ठंडगिरी गुफाएं कहां पर स्थित है भुवनेश्वर में है तो देखिए मैंने आप लोगों को भारत की महत्वपूर्ण जो है मेरे प्यारे साथियों वो चीज आप लोगों को पढ़ाई है आप लोग इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा ये भारत की केव्स है जो मैंने आप लोगों को बता दी है चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के द्वारा ठीक है बेटा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के द्वारा हाँ जी क्लियर है बहुत बढ़िया भाई कुमार पप्पू सही से याद कर रखा है शाबाश बेटा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अरु का मतलब क्या होता है बेटा मेरी बेटी का नाम है चलिए तो हाँ जी साहब सवाल क्या है ध्यान से सुनिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए अड़तालीस हजार करोड़ रुपए का सौदा मंजूर किया है तो मेरे प्यारे साथियों भारत भारत खरीदने जा रहा है तेजस लड़ाकू विमान कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज के द्वारा हाल ही में अड़तालीस हजार करोड़ रुपए की लागत से एच ए एल हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड को आप लोगों ने तेजस विमान खरीदने का टेंडर दे दिया है है मेरे प्यारे साथियों तेजस एम के वन जो कि आने वाले हैं भारतीय एयरफोर्स के पास और इंडियन एयरफोर्स की यह बैकबोन बन जाएंगे ऐसा कहना है हाल ही में कैबिनेट कमेटी का मेरे प्यारे साथियों तेजस के एम के वन ए ये वाला जो सीरीज है यह लड़ाकू विमान सीरीज है लड़ाकू विमान सीरीज में तिहत्तर विमान प्राप्त हो जाएंगे दो तक दो तक इनके मिलने का प्रावधान किया गया है साथ में तिहत्तर के अलावा 10 विमान और मांगे गए हैं यानी कि कुल तिरासी हैं तिहत्तर प्लस दस बोले तो 83 थ्री है और जो 10 वाले हैं लास्ट वाले जो 10 हैं ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं इनसे आप ट्रेनिंग ले सकेंगे इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में बात की है जल्दी ही इसके ऊपर एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने यह बात बोली है कि हम लोग इतने करोड़ रुपए में कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा इंडीजीनियस ऑर्डर है इंडीजीनियस बोले तो स्वदेशी ऑर्डर जो भारत ने अपने ही मतलब सरकार भारत सरकार के द्वारा अपने ही देश की किसी कंपनी को ऑर्डर दिया हो वाकई में आत्मनिर्भर भारत के लिए यह बहुत बड़ा प्रयास है मेरे प्यारे साथियों तेजस के अंदर अगर खूबसूरतियों की बात की जाए कि क्या काबिलियत है इसके अंदर तो मैं आपको चलिए इसकी काबिलियत के बारे में बताना चाहूंगा यह सिंगल सीटर है यानी कि एक व्यक्ति ही इसे चलाता है इसकी स्पीड वन पॉइंट सिक्स मैक है मैक बोले तो साउंड की गति से एक पॉइंट छ गुना तेज गति से यह चलता है कहा जाता है अभी जब मैंने आज ही मैं एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग पढ़ रहा था तो जो भारत के भारत के एयरफोर्स के जो चीफ हैं आर के एस भदौरिया जी उन्होंने एक लाइन कही और वो ये कहा कि पाकिस्तान और चाइना की मदद से विकसित जो हाल ही में जे एफ करके एक विमान बनाया है उन लोगों ने उससे भी ये ज्यादा सक्सेसफुल विमान है बालाकोट जैसी स्ट्राइक जो भारत ने अभी करी थी उसको ये और खूबसूरती से कर सकता है मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा उन्नीस में इसको बनने का ऑर्डर दिया गया था 1983 के बाद में ये 1983 से चलते चलते फिर इसका मतलब पहली बार इसकी घोषणा की गई 1983 में 2003 में जाके अटल जी ने इसका नाम तेजस रखा भारत में जो मिग 21 थे जिसके कारण से पायलट्स की काफी ज्यादा दुर्घटना में मौत हो रही थी उसको रिप्लेस करने के लिए तेजस विमान की बात की गई थी हाल ही में भारत सरकार का कहना है इवन जो भारत की है है उसका कहना है कि 10 साल के भीतर भीतर एयरफोर्स का अपना जो बिल्कुल तरीका है वो बदल जाएगा हमारे पास पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रन हो जाएंगे स्क्वाड्रन का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमान रखती है तो एयरफोर्स स्क्वाड्रन में फिलहाल राफेल है सुखोई है मिग है ये तो सारे विमान भारत के पास है ही लेकिन तेजस जो कि डेवलप किया जा रहा है जिसकी वजह से भारत में नए पांच नए स्क्वाड्रन बनके तैयार हो जाएंगे इतनी ज्यादा होपफुल है भारतीय सेना भारतीय एयरफोर्स इसके बारे में इसकी एक खूबसूरती और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विकसित ये जो विमान है इसकी खास बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि यह विमान हाल ही में नेवी के पर्पज से भी अपने आप को सिद्ध कर चुका है कि मैं नेवी के लिए भी उपयोगी हूं यह कुछ तथ्य है जो आपको पता होने चाहिए कि इस विमान का पचास से साठ हिस्सा भारत में ही निर्मित है बाकी इसमें इसराइल की रडार सिस्टम लगा हुआ है इसराइल का मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है यानी अन्य देशों से फिर हमने इसमें कुछ एडिशनल चीजें लगाई हैं ताकि इसका उपयोग सही से और सटीक तरीके से हो सके इसको बनाने में 42 परसेंट तो कार्बन फाइबर का उपयोग हुआ है और 43 परसेंट एल्यूमिनियम के साथ टाइटेनियम का उपयोग हुआ है अब आप पूछेंगे सर इसमें लोहा वोहा नहीं लगाया गया है क्या जी नहीं मेरे प्यारे साथियों लड़ाकू विमान जो होते हैं या फिर एयर एयरक्राफ्ट जो होते हैं इनमें ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि वजन में कम हो और मजबूती में ज्यादा हो तो मजबूती के लिए यहां टाइटेनियम नामक वस्तु का उपयोग काम में लिया जाता है कार्बन फाइबर का उपयोग इसको मतलब कम वजन का बनाने के लिए किया जाता है ज्यादा स्ट्रेंथ और वजन कम ताकि यह बहुत अच्छे से अपने आप को पिकअप दे सके उठ सके मेरे प्यारे साथियों भारत का यह जो तो तेजस है यह अपनी उपादेयता नेवी के लिए भी सिद्ध कर चुका है इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसके बारे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उन्नीस में इसकी घोषणा की गई थी लेकिन इसने अपना जो पहली उड़ान भरी ये 2001 में भरी थी लेकिन बहुत सारे इसके अंदर व्यवधान थे डीआरडीओ के पास इसको भेजा गया कि नहीं हमें ये नहीं इसमें ये चाहिए इसमें ये चाहिए तो ये बहुत सारे मल्टीपल राउंड से गुजरता गया भारत में तकनीकी का और धन का अभाव था जिसके कारण ये लंबे समय तक चलता रहा लेकिन अब जब इसको बनाया क्यों गया था तो मिग सेवनटी मिग ट्वेंटी जो है ना उसे रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि इस विमान की खूबसूरती अब यह है कि जिस प्रकार से राफेल को चलते चलते हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है जैसे आप एयर टू एयर फिलिंग कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि जब अभी हमारे राफेल जो फ्रांस से चल के जब इंडिया आ रहे थे तो यूएई के पास उनमें दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल भरा गया था ताकि वो कंटिन्यूअस उड़ सके क्यों क्योंकि अगर टेयर वो उतरेगा उतर के वापस चढ़ेगा तो उतरने चढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है इतनी देर में हो सकता है दुश्मन नजर बचा के भाग ले ऐसी स्थिति में अगर कोई एयरक्राफ्ट हवा में ही है और उसमें फ्यूल खत्म हो रहा है तो दूसरा विमान उसमें जाकर के फ्यूल भर सकता है यानी कि वो चलते चलते एयर फिलिंग जो है उसमें इसकी सुविधा प्राप्त है लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है सभी प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लड़ाकू विमान के अंदर जो होने चाहिए उन्हें ले जाने में यह समर्थ है तो ऐसा है भारत का बना हुआ तेजस मेरे प्यारे साथियों इसने हाल ही में

और ये एकदम आकर के यहां रुक गया ये क्या था तो मेरे प्यारे साथियों असल में इसे हम अरेस्ट लैंडिंग बोलते हैं क्योंकि भारत की नेवी जो अपना आईएनएस विक्रमादित्य है उसके ऊपर इसे लैंड करना चाहती है तो तेज गति से आता हुआ ये विमान जब 200 मीटर पर, 200 मीटर मीटर की ऊंचाई पर पर के स्ट्रेंथ देखिए आप मेरे प्यारे साथियों कहते हैं कि वैसे विमान को रुकने में कम से कम एक किलोमीटर की जगह चाहिए लेकिन यह आई विक्रमादित्य का जो ये पैड है इस पर मात्र दो मीटर दूरी पर ही यह चल करके रुक जाता है इसके पीछे कहते यह है इसे स्काई जंप कहा जाता है जब यह टेकऑफ करता है इसने फर्स्ट बार में ही मेरे प्यारे साथियों अपना नेवल वर्जन दो हजार में ही ये वाला स्काई जंप वाला पास कर लिया था इसका पहला प्रोटोटाइप नेवी के लिए दो हजार चौदह में बना करके दे दिया गया था अरेस्ट लैंडिंग वो सुविधा होती है जिसमें तेज गति से आते हुए किसी विमान को रस्सियों के माध्यम से रोका जाता है तभी जाकर के वो सक्सेसफुली माना जाता है मेरे प्यारे साथियों अरेस्ट लैंडिंग जो है वो यूके यूएस रशिया फ्रांस इनके पास ही है केवल कुछ ही कंपनी है कुछ ही देश है जिनके पास अरेस्ट लैंडिंग की फैसिलिटी है तेज चलते विमान को रस्सी के माध्यम से रोक करके कम दूरी पर रोकना यह भारत के पास सुविधा ऑलरेडी विकसित है उम्मीद है सभी साथियों को मेरे प्यारे साथियों ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ यहां पर बताया गया है ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी अब इससे जुड़े हुए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी देख लीजिए स्टैटिक फैक्ट्स हैं तेजस लड़ाकू विमान का उत्पादन कौन करेगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो 23 दिसंबर 1940 को हुई थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां है तो बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक की, की राजधानी है इसरो भी यहीं पर स्थित है हिंदुस्तान तो है। है? तो लिमिटेड लिए अपना सेशन शेयर करते चले और पढ़ते चले चलिए अब एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए भी आपको अपने मन में एक बढ़िया समझ रखना आवश्यक है क्या है आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों में एक स्पेशल मैरिज एक्ट चर्चा में था क्या हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट नाम तो सुना होगा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य की जो कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट उसने हाल ही में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का मेरे प्यारे साथियों एक प्रोविजन है जैसे सेक्शन फाइव कहते हैं उसको रद्द कर दिया है सेक्शन फाइव को रद्द कर दिया है एस ए सी टी आई ओ एन क्या है यार भाई साहब हाँ जी सेक्शन फाइव को हाल ही के अंदर रद्द कर दिया है यह चीज मान के चले क्या हुआ अब मैं आपको वो बताता हूं इसके अंदर क्या है मैरिज एक्ट के अंदर वो समझने का प्रयास करिए साथियों भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट इसको नाम पहली बात तो ये समझिए कि स्पेशल मैरिज क्यों कहा गया है मैरिज एक्ट तो ऑलरेडी भारत के अंदर पर्सनल लॉ से चलते ही हैं हिंदू मैरिज एक्ट अलग है मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है फिर ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि इसका सेक्शन फाइव क्या था मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उन्नीस सौ में पास किया गया था और 1 जनवरी 1955 से ये अप्लाई हुआ था इसमें ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत के अंदर कुछ विशेष प्रकार की शादियों के रजिस्ट्रेशन और उनके केस में डिवोर्स इन सारे के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे अब आप पूछेंगे विशेष प्रकार की शादियां कौन सी वाली होती है देखिए अगर आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट काम करता है जिसे आप पर्सनल लॉ भी बोलते हैं ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है जिसके तहत आप मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करते हैं लेकिन कई बार एक धर्म का व्यक्ति जब दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है तो कोई भी धर्म के अंदर इसके बारे में प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में उन केसेस को स्पेशल मैरिज एक्ट में रखा गया नंबर दूसरा जब आप अपने धर्म में शादी करते हैं और अपनी जाति में यानी कि इंटरकास्ट मैरिज ना करके इंट्राकास्ट अपनी ही जाति में विवाह करते हैं तो आप अपने मैरिज एक्ट के थ्रू कर लेते हैं पर्सनल मैरिज एक्ट के थ्रू वो शादियां हो जाती हैं लेकिन जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो ऐसी मैरिज के लिए जरूरी होता है कि आप कहां पर जाके कोर्ट में मैरिज करें या फिर दूसरा प्रावधान यह होता है कि आप कोर्ट के स्थान पर सामने वाले व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करवाएं थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को सं, मतलब आप थोड़े संजीदा के तरीके से रहकर इसको समझें संवेदनशील होकर समझें तो ज्यादा बेहतर होगा ध्यान से समझिए दो परिस्थितियां लेते हैं लेट से एक व्यक्ति एक्स धर्म का है बच्ची वाई धर्म की है एक्स और वाई धर्म के जो बच्चे बच्चियां हैं वो शादी करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में उनके पास दो विकल्प हैं या तो वो अपने ही धर्म की प्रथाओं के अनुसार विवाह करें लेकिन सवाल बड़ा है दोनों के अलग अलग हैं तो कौन से धर्म से विवाह करें से उसने लड़के के धर्म से विवाह करना प्रस्तावित किया तो वो धर्म कहता है कि स्वधर्मी है यानी कि अपने ही धर्म में अगर विवाह होगा तो वही विवाह वैलिड माना जाएगा ऐसी स्थिति में उस बच्ची को धर्म परिवर्तित करने के लिए कहा जाता है जिसे हम धर्म परिवर्तन और आगे चल के इसी का बिगड़ा हुआ रूप लव जिहाद कहलाया मतलब यह हुआ कि कहीं फोर्सफुली अगर कन्वर्ट कराया तो वो लव जिहाद कहलाया अगर उसने मन से कर लिया तो मन से करने के प्रति हाल ही में कुछ राज्य सरकारों के द्वारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश इनके द्वारा कुछ कानून लाए गए हैं जो यह कहते हैं कि अगर फोर्सफुल कन्वर्जन होता है तो ऐसी स्थिति में या फिर अपने धर्म के मुताबिक भी अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है अपनी रजामंदी से भी कर रहा है तो उसे इसके बारे में भी जानकारी कहां देनी होगी अपने नजदीकी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में पुलिस को देनी होगी ठीक बात है लेकिन साथियों इसका एक विकल्प और निकाला गया क्या कि एक्स व्यक्ति अपना धर्म माने वाई व्यक्ति अपना धर्म माने उसके बावजूद शादी हो जाए क्या यह संभव है बिल्कुल संभव है कहा संभव है भारत सरकार के ऑफिस में संभव है मैरिज रजिस्ट्रार के एक्ट ऑफिस में संभव है इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों मैरिज एक्ट के तहत यह कहा गया कि एक मैरिज ऑफिस बनाया जाएगा विवाह पंजीयन केंद्र होता है आपके शहर में भी होगा ढूंढ लीजिएगा यहां पर जाकर के जो कहते हैं ना कोर्ट मैरिज करते हैं जो लोग वो कोर्ट मैरिज असल में यही होता है जिसमें कि एक मैरिज ऑफिसर होता है मैरिज ऑफिसर आपसे आपका धर्म परिवर्तित करने के लिए कहता नहीं है उनके हिसाब से शादी होना दो लोगों की आपसी रजामंदी है जिसमें केवल ध्यान इस बात का रखना होता है कि लड़का 21 का हो और लड़की 18 की हो बाकी फिर आपसी रजामंदी है तो शादी कर लीजिए लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट में यह प्रावधान था कि यदि शादी दो धर्मों के व्यक्तियों के बीच में हो रही है तो मैरिज ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है कि वो इस जानकारी को अपने ऑफिस के बाहर तीस दिन पहले टाकेगा दोबारा से समझिएगा बहुत ही अल्टीमेट चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यह प्रावधान था कि ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो मतलब शादी कर रहा है अपोजिट सेक्स का है लड़का लड़की विवाह कर रहा है और धर्म के विरुद्ध है यानी धर्म के अनुरूप ना होकर के दो अलग धर्म के लोग हैं इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मैरिज ऑफिसर उस धर्म के यानी कि उस विवाह के बारे में अपने ऑफिस के बाहर तीस दिन पहले नोटिस चिपकाएगा कि इस दो धर्म के व्यक्ति विवाह कर रहे हैं इससे होता क्या था इससे होता यह था कि लोग इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए कोर्ट जाते ही नहीं थे इसकी जगह एवज में करते क्या थे वो धर्मांतरण करवाना प्रावधान ज्यादा समझते थे कि धर्म परिवर्तित करवा के विवाह कर लिया और यही घटना आगे चल करके लव जिहाद या फिर बेहला फुसला के विवाह करे गए में कन्वर्ट हो जाती थी डन है लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि पहले तो यह बताइए कि यह बात लिखी कहां है तो साहब इस जब इस एक्ट को पढ़ा गया तो मेरे प्यारे साथियों इस एक्ट के अंदर सेक्शन फाइव में यह बात लिखी हुई है जरा देखिए क्या लिखा हुआ है दिख रहा हो तो ठीक है नहीं तो मैं बोल के सुना देता हूं इसमें लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों द पार्टीज ऑफ मैरिज शैल गिव ए नोटिस राइटिंग टू द मैरिज ऑफिसर यानी जिनको शादी करनी है वो मैरिज ऑफिसर को एक राइटिंग में लेटर देंगी Writing marriage officer of the district, जिले का एक मैरिज ऑफिसर होता है डेट ऑफ सच नोटिस और इसके तीस दिन बाद विवाह करना चाहिए ऐसा इस कानून के सेक्शन नंबर फाइव में लिखा हुआ था कानून समझ में आ गया कानून का सेक्शन समझ में आ गया अब न्यूज सुनते हैं न्यूज यह है कि इलाहाबाद कोर्ट ने इसी सेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया है कह दिया है स्ट्रक डाउन कर दीजिए यानी कि इसे मानने की आवश्यकता नहीं है हम लोग इसे नहीं मानेंगे और हम इसके बिना ही कानून को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या आपको बात समझ में आ गई तो एक प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया अब मैं आपको वो बताता हूं। और क्या कहा ये बहुत बड़ी बात है इसमें यह कहा गया कि, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा शादी करने से पूर्व यह बताना कि वो किससे शादी कर रहा है ये उसकी प्राइवेसी का हनन है उसकी निजता का हनन है और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह निजता का हनन है अब आप में से बहुत सारे लोग दो बातों को लेकर के दिमाग में कंफ्यूज हो चुके होंगे जिनके के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है क्या सर एक बात बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एक्ट का यह प्रावधान रद्द किया है तो फिर एक बात बताइए वर्तमान में जो कानून बने हैं जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा कानून लाया गया है हरियाणा के द्वारा लाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा उनका क्या होगा आएगा ना सवाल तो मेरे प्यारे साथियों वो कानून स्पेशल मैरिज पर नहीं लाए गए हैं स्पेशल मैरिज तो ऑलरेडी चल रही थी वो कानून उस धर्म के संगत हो रहे विवाहों पर लाए गए हैं मतलब पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग जो शादियां हो रही थी अब आता हूं वापस उसी मुद्दे पर लेट से एक्स धर्म का व्यक्ति वाई धर्म की बच्ची से शादी करना चाहता है बिना कोर्ट के अपने समाज के अनुरूप तो वो उस हिसाब से करने के लिए अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग जैसे मेरा जो विवाह हुआ मेरा विवाह जब हुआ तो उस स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादी होती है मतलब आप शादी करके आप जाइए और लिखवा के आ जाइए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में कि हम शादी कर लिए हैं वो शादी वैलिड होती है ठीक है ना वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह वैलिड होता है Exactly, एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों जो विवाद चल रहे हैं ऑलरेडी वो स्पेशल मैरिज एक्ट से नहीं चल रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट से चल रहे हैं या पर्सनल लॉज के हिसाब से चल रहे हैं मुस्लिम के ठीक है ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन में धर्मांतरण करता है उसके बारे में लॉ आए हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा हिमाचल इनके द्वारा ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट पर फिर आप पूछेंगे इन दोनों का रिलेशन क्या है अगर मेरे प्यारे साथियों स्पेशल मैरिज एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट यह निर्णय दे सकती है कि आपको इंटर रिलिजन मैरिज करने से पूर्व बताना अनिवार्य नहीं है तो इसका आंसर यह निकलता है कि आने वाले टाइम में वो इन चार पांच राज्यों के द्वारा जो अंतरधर्मीय विवाह हो रहे हैं उनके ऊपर भी अपना निर्णय देगी और वो यह कहेगी कि कोई व्यक्ति क्यों अपने बारे में बताए कि वो किससे विवाह करना चाहता है क्यों कंपलसरी किया जाए क्यों यह बताए कि मैं इस धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहता हूं वो नोटिस क्यों सर्व करे उम्मीद है सभी साथियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय तो समझ में आ गया होगा कि निर्णय क्या है ठीक है ना हां जी साथियों अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दूसरा प्रश्न क्या है कि सर एक बात बताइए निजता का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहां रखा मैंने कहा भाई निजता का अधिकार इलाहाबाद कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ में रखा है यानी आर्टिकल 21 के तहत उसे जीवन का अधिकार माना गया है बोले अच्छा तो फिर सर एक बात बताइए क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रोग्रेसिव डिसीजंस और कहा क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन में बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं जहां पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सेक्युलरिज्म को कम करती हैं इसलिए हम ये पॉइंट लेकर के आ रहे हैं अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए मुझे कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जो अन्य सुप्रीम कोर्ट या हाई हाईकोर्ट्स के द्वारा निर्णय दिए गए हैं जिन्हें प्रोग्रेसिव निर्णय कहा जाता है फिर से आज मैंने स्वेशन की शुरुआत में आपको दो बातें बताई थी एक मैंने कंजर्वेटिव बताई थी एक मैंने लिबरल बताई थी अगर आपको याद हो तो जो लिबरल थॉट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कब कब स्थापित की गई है आइए मैं आपको वो बताता हूं मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स के द्वारा जो बहुत ही जबरदस्त काम किए गए थे उनमें से वर्ष 2017 का लैंडमार्क डिसीजन था मेरे प्यारे साथियों जिसे हम आधार केस कहते हैं आधार जिसे आप आम देश का पहचान पत्र कहते हैं आम नागरिक का पहचान पत्र कहते हैं आधार कार्ड रखते हो ना उस आधार कार्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के आधार क्रेडेंशियल्स को किसी से साझा किया जाना उस व्यक्ति की निजता का हनन है तो निजता के अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया यह प्रश्न लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि यह प्रश्न जो है, जो है 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 ऐसा कंटेंट इसको समझने के लिए हमारे दिमाग में भी थॉट प्रोसेस थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि यह लेवल थोड़ा ऊपर का हो जाता है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा ही लेते हैं ठीक है, है ना ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों यहां क्या कह रहा हूं निजता का जो अधिकार है पॉइंट नोटिस करिएगा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निजता का अधिकार कब पहली बार मूल अधिकार बना आंसर है 2017 में बना कब बना 2017 में राइट टू प्राइवेसी बिकेम फंडामेंटल राइट एट 2000 सेवेंटीन नंबर दो यह आधार केस कहलाता है दूसरा केस था मेरे प्यारे साथियों हादिया केस हादिया केस को कब बनाया गया मेरे प्यारे साथियों हादिया केस आप लोगों के सामने दो हजार अट्ठारह में आया था जिसमें जिसमें यह कहा गया था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हादिया केस दो हजार अट्ठारह याद कर लेना यहां पर एक दूसरा मूल अधिकार बताया गया था अब वो क्या है जीवन साथी को चुनना यह प्रश्न आएंगे अगर आप लोग किसी अच्छे एग्जाम में बैठ रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस इस तरह के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यह प्रश्न तैयार रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर को चुनना आपका मूल अधिकार है यह कौन से केस में बताया गया तो आंसर है हादिया मैरिज केस था मेरे प्यारे साथियों इस हादिया मैरिज केस में वर्ष दो में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि किसी व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर चुनना हो तो लाइफ पार्टनर चुनना उसका मूल अधिकार है यह आप पॉइंट नंबर दो पर याद रख सकते हैं तीसरा ऐसा ही लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिया गया था और वो क्या था मेरे प्यारे साथियों केस था जिसका नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसमें वर्ष 2018 के अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा मतलब सॉरी माफी चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया और क्या कहा गया आईपीसी की धारा 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया यानी होमोसेक्सुअलिटी जो पहले क्रिमिनलाइज ऑफेंस माना जाता था इंडियन पीनल कोड के तहत सेम समलैंगिक विवाह समलैंगिक घटनाएं जिन्हें पहले क्राइम माना जाता था, उन घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया यह कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है यह तीन यानी आईपीसी की धारा तीन के तहत समलैंगिकता जो वर्ष दो तक क्या थी Uh, क्या कहते हैं अपराध थी उसे मेरे प्यारे साथियों अपराध की श्रेणी से हटा दिया ये तीन लैंडमार्क डिसीजन कहे जाते हैं इस दशक के जैसे आप लोग याद करते हैं ना गोलकनाथ केशवानंद भारती ये जो केस आप याद करते हैं आने वाला जमाना इन तीन केसों को याद रखेगा आधार केस हादिया केस और तीसरा मेरे प्यारे साथियों होमोसेक्सुअलिटी का नवतेज केस ये तीन केसेस हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे की तरफ बढ़ते हुए अगले प्रश्न से पूर्व आपके सामने प्रमुख चीजें जो आपके सामने यहां रखी गई हैं एक बार के लिए इन्हें देख लीजिएगा पहला पूछा गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी अठारह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच यानी कि खंडपीठ कहां पर बैठती है तो प्रयागराज में इसकी दूसरी बेंच लखनऊ में बैठती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है गोविंद माथुर है अन्य अस्थायी बेंच कहां पर स्थित है तो लखनऊ में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य प्रधानमंत्री मतलब प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वाल्टर थे क्लियर है चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे की तरफ जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों एक विद्यार्थी कह रहे हैं योगी जी को यह वीडियो शेयर करो ताकि योगी जी भी एंटी रोमियो के बारे में पता कर सके चलिए हाँ भाई साहब दुनियादारी की बहुत सारी खबरें आपको एक ही सेशन में मिलती हैं कम से कम इस बात के लिए ही आप इस सेशन को लाइक कर दिया करिए है ना सेशन को लाइक और जो शेयर करना होता है आप सोच के देखिए ना कितनी सारी न्यूज कितने सारे पैरामीटर्स में से इकट्ठा कर करके लानी होती है और एक एंगल नहीं होता है इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च लगती है जब एक प्रश्न को आपको बताया जाता है ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों हाल ही में टिकटॉक गर्ल मवादा अल अहमद और हनीन होसम खबरों में थी अब आप पूछेंगे सर हम इनको नाम याद कर लें क्या भाई साहब करना भी पड़ सकता है क्यों क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद है सऊदी अरब की एक महिला चर्चा में थी मैंने आपको पूरा डिटेल में उनके बारे में बताया था उन्होंने ड्राइविंग की अनुमति मांग ली थी कुछ कह दिया था कि हम प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया था वैसी ही घटना हाल ही में मिस्र में देखी गई है अगेन मिस्र कंजर्वेटिव होता जा रहा है ऐसा कहा गया है क्या किया इन महिलाओं ने मेरे प्यारे साथियों ये दो महिलाएं हैं इन्हें मिस्र की टिकटॉक गर्ल्स कहा जाता है टिकटॉक जो कि भारत में बैन हो चुका है बहुत सारे लोग उस कारण से परेशान भी हैं टिकटॉक ये बेरोजगार हो चुके हैं जो बना करके कई तरह की जुल्फे घुमा करते थे ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों मिस्र की ये दो बालिकाएं टिकटॉक गर्ल ऑफ मिस्र के नाम से फेमस थी इन्हें लास्ट ईयर जेल में डाल दिया गया था कहा गया था कि ये जो कार्य कर रही हैं इसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो प्रथा है उसके खिलाफ है ये सारी चीजें यानी कि इनके कन्वेंशन रीति रिवाजों के हिसाब से मिस्र जो कि मेजोरिटी में एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र के द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये ये कार्य किया गया था ये कहते हुए कि ये हमारे धर्म के संगत नहीं है ऐसी स्थिति में इन्हें लास्ट ईयर जेल में डाल दिया गया था लेकिन वहां के प्रोग्रेसिव लोगों की डिमांड के चलते दो साल के लिए जेल में डाला गया था लेकिन इन्हें एक साल के भीतर ही रिहा किया जा रहा है यह सुर्खी है क्लियर है मिस्र चर्चा में था किसी कारण से तो मैं आपके सामने थोड़ा मिस्र के बारे में बता दिया हालांकि आप ये पूछते होंगे कि सर ये न्यूज लाते कहां से हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास जो सोर्स होता है अपने आप के लिए न्यूज लाने का वो मेजोरिटी में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू होता है ठीक है ना तो ये दि मतलब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है प्रॉपर तरीके से फॉलो की गई है चलिए ये हो गई बात अब आपको कुछ बातें मैं अतिरिक्त बता देता हूं जैसे इजिप्ट की राजधानी है कायरो करेंसी है इजिप्शियन पाउंड

स्वेज कैनाल जो कि एक में पॉइंट तीन किलोमीटर लंबी है इसका निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था कब प्रारंभ हुआ था 1859 में प्रारंभ हुआ था और जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब बनकर के तैयार हुई थी 1869 में यह बनकर के तैयार हुई थी क्लियर है 1869 में बनी हुई यह कैनाल जो कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है एक किलोमीटर लंबी है ये थी मिस्र के अंदर इजिप्ट का नाम ही मिस्र है थी इजिप्ट के अंदर लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस पर कब्जा हमेशा बांट बांट करके ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी किया करते थे यानी कि मिस्र मिस्र के पास थी नहीं अपने आप में एग्जिस्ट तो करता था था लेकिन कैनाल पर जो कब्जा वो ब्रिटिशर्स का और फ्रांसीसियों का हुआ करता था लेकिन तब बाद में मेरे प्यारे साथियों जब ब्रिटिशर्स ने दुनिया छोड़ना प्रारंभ किया तब इजिप्ट में इसके प्रति एक आंदोलन हुआ और इसके मतलब आंदोलन के कारण स्वेज कैनाल क्रांति कहते हैं उसे और उसके परिणाम स्वरूप अठारह उन्नीस सौ छप्पन में जाकर के मेरे प्यारे साथियों स्वेज कैनाल मिलती है वापस किसे इजिप्ट को यह वापस प्राप्त हो जाती है यह तथ्य मैंने आपको बता दिया कायरो के बारे में बताऊं तो कायरो जो है वो नील नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर है इनका जो कि यहां की राजधानी भी है नील नदी जो कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों इजिप्ट की प्रमुख नदियों में से कही जाती है यहां पर नील नदी के ऊपर नासिर नामक लेक है यह अपने बॉर्डर सूडान से साझा करता है सूडान के साथ जब आप देखते हैं इसे तो यहीं से होकर के ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल यहां पहुंचती है हाल ही में तीन देश चर्चा में थे मिश्र सूडान और इथोपिया क्योंकि ग्रैंड रेनेसा डैम बना रहा था इथोपिया जिसका विरोध कर रहा था सूडान और इजिप्ट और उनका कहना था कि यह डैम नहीं बनना चाहिए लेकिन फिलहाल इनके बीच में एक सहमति बन चुकी है उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें टिकटॉक ऐप किस कंपनी का है देखिए साथियों जो भी मेरे प्यारे साथी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं रेलवे एस बैंकिंग जिन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा उपयोगी है उन्हें रट लिया करें आप ठीक है ना जैसे पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया बाइट डांस के द्वारा टिकटॉक ऐप को चीन में किस नाम से जाना जाता है, नाम से से जाना जाना जाता जाता है 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 डोइन इसके सीईओ कौन वेनेसा पंपस, मिस्र की राजधानी काहिरा और मिस्र की राजधानी के साथ साथ मिस्र की करेंसी कौन सी है तो मेरे प्यारे साथियों करेंसी जो है इसकी वो पॉंड है यह याद कर लीजिएगा ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अभी मेरे प्यारे साथियों भारत में एक गजब बीमारी देखी गई है क्या बीमारी है आपको मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों हाल ही में भारत में एल जो लोग थोड़ा बहुत ड्रग्स के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें एल के बारे में भी पता होगा लेकिन एल शॉर्ट फॉर्म में अब एक बीमारी के रूप में प्रचलित हो रही है दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मवेशियों को रखने वाला देश अब इस बीमारी की चपेट में आ चुका है कौन है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मवेशी रखने वाला यानी कैटल रखने वाला देश नन अदर देन अपना प्यारा भारत भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कैटल रखता है भारत के 16 राज्य मेरे प्यारे साथियों इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं क्या है ये बीमारी आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों इस बीमारी में मवेशियों के शरीर में इस प्रकार के लम्ब्स बन जाते हैं ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों एल एस डी के अंदर इस प्रकार के अगर आपको दिख रही हो तो ये विशेष प्रकार की गांठें हैं जो आपको दिख रही होंगी इस गाय के शरीर पर अगर आपको नोटिस हो रही हो तो आपको ये चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं तो यहां पर देखिएगा लंपी लंपी बोले तो लम्स गांठें बन गई हैं शरीर पर तो लंपी स्किन डिजीज बन चुकी है ठीक है यह बीमारी भारत में दो में बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में आई थी 1929 में अफ्रीका में खोजी गई थी तब तक आ नहीं रही थी इंडिया में लेकिन उन्नीस में मेरे प्यारे साथियों बांग्लादेश में आई और बांग्लादेश से अब ये इंडिया में आ चुकी है और भारत के लगभग उन... सोलह राज्य इसकी गिरफ्त में हैं इसकी वजह से एफ ये मतलब जो फूड एग्रीकल्चर अ... ऑर्गेनाइजेशन है एफ उसका कहना है कि इस बीमारी के कारण मवेशियों का दूध कम हो जाता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट

जानवर है उस जानवर की भूख कम हो जाती है गले में स्वेलिंग आ जाती है दूध देने में कमी करने लग जाता है सर कौन सा वायरस है तो इसके पीछे जो जिम्मेदार वायरस माना गया है वो कोई पॉक्स वायरस है जो इसके प्रति मेरे प्यारे साथियों जिम्मेदार माना गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यह बीमारी भारत के अंदर 10 प्रतिशत मोर्टेलिटी के लिए जिम्मेदार होगी ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो शरीर पर आकार बन रहे हैं वो पांच सेंटीमीटर तक के मोटे हैं ऐसा मेरे प्यारे साथियों यहां पर इस, इसके अंदर देखा गया है मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि इसकी वजह से चिंता क्या क्या की जा सकती है तो लंपी स्किन डिजीज जो है वो दो में भारत में देखी गई थी उड़ीसा राज्य से यह एंट्री की थी और तमिलनाडु में दो में देखी गई एनिमल इसके अंदर ये जो लम्स डेवलप हो जाते हैं उन्हें बुखार हो जाता है इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन यह इंसानों में ट्रांसफर नहीं हो रही है यह बात आपको पता होनी चाहिए कहते हैं कि इसकी वजह से दूध के उत्पादन में बहुत बड़ी चिंता आएगी दूध का उत्पादन इसकी वजह से कम हो जाएगा ऐसा इसके अंदर कहा जा रहा है ठीक है साथियों इसके अलावा और कौन सी बात हमें जाननी चाहिए यह गाय और बफेलो को बहुत प्रमुख रूप से प्र, मतलब प्रभावित करती है भारत में 303 मिलियन के आसपास मेरे प्यारे साथियों मवेशी पाई जाती है कैटल हेड काउंट 303 मिलियन के आसपास है मेरे प्यारे साथियों एनिमल से दूसरे एनिमल में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है मुद्दा देखिएगा ध्यान से एनिमल से इंसान में नहीं आ रहा है लेकिन एनिमल से एनिमल के संपर्क में आने पर यह बीमारी फैल रही है इसका मतलब यह यह हुआ कि क्या इंसानों इंसानों में में फैली फैली अभी तक में नहीं फैली है लेकिन हां यह संक्रमण बीमारी है यानी कि यह डिजीज है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही है यह डिजीज नहीं है कि जानवर से इंसान में आ जाए लेकिन यह कंटाजियस है क्लियर हो गया यह आपको बात समझ में आनी चाहिए इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं आपको आगे लेते समय यह बता दिया दुनिया में कहां कहां क्या हिसाब है इसका और कब से चल रही है इसके साथ ही कुछ जुड़े हुए आपके सामने बीमारियों से संबंधित प्रश्न है जैसे किस कवक के कारण मनुष्य में गंजापन आता है तो इसका आंसर है कुत्ते के के काटने से होने वाले रेबीज रोग का का विकास किसने किया था तो लुई ने टिटनेस कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो नर्वस सिस्टम is, तंत्री का तंत्र कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है मलेरिया पायरिया पेचिस लॉक जॉ की स्थिति टिटनेस का अंतिम स्थिति होती है जब मुंह नहीं खुल पाता है ये कुछ तथ्य है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ठीक है बेटा

कमिनेट मतलब इस कमेटी में जो चार सदस्य समिति बनी थी उस समिति के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र सिंह मान इन्हें यह पता चल गया कि भाई साहब हमारा जो है नाम लोगों को पता चल गया कि हम तो समर्थन करने वाले हैं ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह मान साहब ने अपना नाम वापस ले लिया है यह कहते हुए क्योंकि आपको याद है मैंने उस दिन भी कहा था आपसे किसानों ने मानने से मना कर दिया था क्यों मना कर दिया था किसानों ने कहा था कि जब इस कमेटी में ऑलरेडी वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना इंटेंशन पहले ही कृषि कानूनों के पक्ष में जाहिर कर दिया है तो ऐसी स्थिति में इस कमेटी का कोई मतलब नहीं है तो अब ऑब्वियस बात है सुप्रीम कोर्ट तो हटा नहीं सकती इस चीज को तो इनके ऊपर मोरल प्रेशर था कि ये खुद से हट जाएं इन चारों के चारों में से किसी एक के ऊपर ताकि उन किसानों की बात मानने वाला भी कोई इसमें नियुक्त किया जा सके समझे आप तो ऐसी स्थिति में इन्होंने मुमान साहब ने अपना नाम वापस ले लिया ये कहते हुए कि भाई मैं जो हूं वो मतलब इसमें नहीं जा सकता क्योंकि मैं किसानों के साथ हूं अब ये तो सब आप समझते ही हैं कौन किसके साथ है लेकिन हाँ अब ये कमेटी के अंदर इनमें से इनका नाम कट गया है बाकी तीन लोग अभी तक एज इट इज हैं बाकी कौन है तो इनके अंदर घनवट साहब गुलाटी जी और पीके जोशी ये तीनों हैं लेकिन अभी भी ये तीनों की तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में ही बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं ठीक है ना चलिए हाँ जी यदवेंद्र सिंह बेटा यूपीएससी एस्पिरेंट हो और ऐसी बातें लिखते हो आपने नाम के पीछे लिख रखा है यदवेंद्र सिंह यूपीएससी एस्पिरेंट और फिर आप इस तरह की बातें लिख रहे हो ये ठीक नहीं है छोड़िए मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं वाकई में अगर आप सिविल प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक व्यक्ति बिना बायस हुए पढ़ाई करता है और प्रशासनिक व्यक्ति किसी भी चीज पर कमेंट बहुत ही संजीदा तरीके से करता है आप आप मुझे खुद से नोटिस करें कि मैं जिस प्रकार के मुद्दे आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूं ना मैं किसी रिलीजन का नाम टैग करता ना मैं किसी व्यक्ति का नाम टैग करता ना मैं किसी ग्रुप का किसी पार्टी का उदाहरण में भी लेता हूं तो बराबर तरीके से यूज करता हूं यह एक तरीका है जो आपको समझाना समझना खुद से भी चाहिए कि एक व्यक्ति को जब वो किसी भी ऐसे दायित्व में हो जिससे कि और लोग प्रभावित होते हो उसे एक बहुत ही मध्यस्थ प्रकार की विचारधारा लेके चलना होता है इसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहते हैं और एक प्रशासक का ये सबसे बड़ा गुण होता है ऐसी बातें मत लिखिए प्लीज है ना मतलब कौन क्या है आप छोड़िए ना आप चलने दीजिए हमने जो बात थी वो आप तक पहुंचा दी पहले वो पहुंचा दी अब ये पहुंचा दी सिंपल है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न से पूर्व आपके सामने अन्य जानकारियां जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कृषि कानून समिति के सदस्य कौन थे बता दिया पूर्व राज्यसभा में इनमें से नामित कौन हो चुके हैं तो भूपेंद्र सिंह मान साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च के निदेशक कौन है डॉक्टर प्रमोद जोशी समिति गठित से संबंधित सुनवाई करने वाली ये ये सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं ठीक है ना तो ये याद कर लेना बेटा आगे बढ़ते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में पहली एयर टैक्सी सर्विसेज शुरू की गई हैं अब उसके बारे में बताते हैं मेरे प्यारे साथियों हाल ही में हरियाणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खट्टर साहब के द्वारा मेरे प्यारे साथियों हिसार से चंडीगढ़ के बीच में पहली एयर टैक्सी प्रारंभ की गई है एयर टैक्सी बोले तो यह टैक्सी सर्विस वैसे ही है जैसे ओला उबर आप लोग सुनते हैं ना ऐसी ही एक टैक्सी सर्विस है जिसको भारत की एक योजना है अगर आपने मालूम कर रखी हो तो उड़ान नामक योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उड़ान नामक योजना है उससे संबंधित मेरे प्यारे साथियों ये योजना है और हरियाणा ने हाल ही में मेरे प्यारे साथियों ये सर्विस लॉन्च की है हिसार से लेकर के कुछ सत्रह सो पचपन रुपए के आसपास इसका किराया रखा है और इनका कहना है चौदह जनवरी को ही इन्होंने ये योजना प्रारंभ की है ये एयर टैक्सी है इसमें लोग बैठ करके जाएंगे सत्रह सौ पचपन रुपए टाइप से किराया है और ये दो क्षेत्रों के बीच में चलने वाली है हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा पंजाब राजस्थान पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान इनके साथ बॉर्डर साझा करता है और मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में भविष्य में कहा जा रहा है कि ये आगे चल के हिसार से धर्मशाला को को भी जोड़ देंगे जनवरी तक ये हिसार धर्मशाला से एड कर देंगे ऐसा इनका कहना है ठीक है साथियों तो ये प्रमुख बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है साथ में पूछा जा रहा है हरियाणा के राज्यपाल कौन है सत्यदेव नारायण आर्य कुछ तथ्य हैं जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कंबाइंड राजधानी है हरियाणा और पंजाब की मशहूर रॉक गार्डन कहां स्थित है तो चंडीगढ़ में है मशहूर रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है तो नेक चंद सैनी है ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है मतलब कि एक रॉ वस्तुओं से बना हुआ गार्डन है यह चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे तो यह ली कार्बोजियर बहुत ज्यादा स्टैटिक फैक्ट है बहुत परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है है ना कौन से शहर के वास्तुकार कौन है संसद भवन का निर्माता कौन है राष्ट्रपति भवन का निर्माता कौन है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं हाँ जी आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी <laughs> कह रहे हैं सर आपने बिल्कुल बात सही बोली लेकिन वो आदमी ऐसा ही है <laughs> सही है भाई थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल करिए इन सब चीजों को लेकर के बेटा फिर वो क्या है कि आप आंसर जब लिखेंगे ना कभी आंसर लिखते समय आपके आंसर में बायसनेस आ जाएगी आपके आंसर ऐसे होंगे कि आप बायस होकर के आंसर लिखेंगे और वो सामने वाले कॉपी चेकर को पता चल जाता है जब मैं आपके कमेंट से पता कर लिया तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी पता चल जाएगा ना तो थोड़ा सा आप फोकस करिए इन चीजों से भटकिए मत ठीक है चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ निम्नलिखित में से किस भारतीय वैक्सीन निर्माण कंपनी ने ब्राजील को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया ये अच्छी न्यूज है भारत के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि भविष्य में वैक्सीन जो है ना वो राष्ट्रवाद का नाम होगा यानी कि राष्ट्रवाद वैक्सीन नेशनलिज्म द हिंदू ने यह आज से पांच छह महीने पहले चीज उठाई थी कि जिसके पास वैक्सीन होगी वही सबसे आगे बढ़ेगा इसी कारण से स्पूतनिक फाइव रशिया के द्वारा दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनवाई गई थी और कहा गया था कि हमको दुनिया याद रखे कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन किसने बनाई स्पूतनिक फाइव नाम से बनाई थी याद है हाल ही में भारत को एक अच्छा ऑर्डर मिला है ब्राजील से क्या मिला है भारत की जो भारत बायोटेक है जिसके द्वारा कोवैक्सीन विकसित की गई है कौन सी कोवैक्सीन तो मेरे प्यारे साथियों उसका इनको ऑर्डर मिला गया है कि आप अपनी दवा जो है वो हम तक भिजवाइए तो भारत बायोटेक की दवा अब निर्यात होगी इससे ज्यादा हमें और क्या अच्छा हो सकता है, है ना इससे फिर धन का लाभ होगा देश में धन आएगा है ना बेटा चलो तो ये फिलहाल के लिए एक न्यूज थी तो ब्राजील के लिए ये सप्लाई करेगा भारत बायोटेक के द्वारा ठीक है चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे एमडी और चेयरमैन कौन है तो कृष्ण एल लाल है भारत बायोटेक की दवा का नाम कोवैक्सीन है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है भारत बायोटेक कब स्थापित हुई थी 1996 में हुई थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना 1911 में हुई थी ठीक है बेटा दसवा क्वेश्चन क्या है किस भारतीय को फ्रांसीसी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया तो रोहिणी गोडबेले हैं ये फिजिक्स की टीचर हैं इन्हें इस चीज से सम्मानित किया गया है बेटा ये है फिजिशियन है और ये फ्रांस के एक प्रमुख पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है आपको ये बात पता होनी चाहिए अड़सठ वर्ष की हैं और मेरे प्यारे साथियों आई आई बेंगलोर के अंदर एज ए फैकल्टी काम करती है बहुत ही बड़ी बात है साइंस के अंदर और आई आई बेंगलोर का नाम बहुत बड़ा है सर मतलब हम जो साइंस वाले लोग हैं उनके लिए वो बिल्कुल मतलब मंदिर समान है बहुत बड़ी चीज है आई आई सी सी बैंगलोर और उसमें फैकल्टीज जो होते हैं ये बहुत अच्छी चीज मानी जाती है ठीक है बेटा फ्रेंच ऑनर रिवार्ड डिस्टिंग्विश्ड मेरिट मिली है ये बहुत अच्छी बात है बेटा चलिए इनको भारत में ऑलरेडी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है पूछा जाता है कई बार कि पद्मश्री कौन से क्रम का होता है तो पद्मश्री भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का नाम आता है इसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है भारत रत्न की पद्म पुरस्कारों की स्थापना उन्नीस में हुई थी भारत रत्न सम्मान की स्थापना उन्नीस हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पूछा गया एन टीपीसी में प्रश्न पूछा गया था है ना भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है यह पद्म पुरस्कारों के बारे में मैंने आपको यहां पर जानकारी दे दी है ठीक है बेटा चलिए और दूसरी बात मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण किताबों से संबंधित है जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स में डॉक्टर श्रीवंथनु पिल्लई की किताब है फोर्टी ईयर्स विद अब्दुल कलाम उनकी अनटोल्ड स्टोरी जो है वो इनके अंदर लिखी गई है इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजे, राजेंद्र माजी वॉल जो है मेरे प्यारे साथियों ये किताब लिखी गई है दर्दा के द्वारा ठीक है महत्वपूर्ण तो दिवस में आज आर्मी दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस रेफरल कोड का यूज करके मेरी सुबह सवा दस बजे एक क्लास है उसमें पहुंचिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जिसमें आज हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे अन अकेडमी पर ये क्लास है इसको एक्सेस करने के लिए कुछ कुछ नहीं करना है मैं क्लास का लिंक अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं आप वहां पर जाइए अपने आप को एनरोल करिए और क्लास में पहुंच जाइए टेन फिफ्टीन पर ये क्लास है जिसमें हम लक्ष्मीकांत से एम लक्ष्मीकांत जो किताब है वहां से इमरजेंसी पर बनने वाले जो अच्छे प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे ये एश्योर करते हैं ठीक है तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं फिर आपसे मुलाकात होगी अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें थैंक